उदारपुर विधानसभा केंद्र के कई चाय बागानों में श्रमिक सरकारी सहयोगिता तो दूर निजी संगठन के सहयोग भी नहीं पा रहे हैं। राशन अनाज के न रहने पर घर में तंगी का माहौल चल रहा है, लोग भूखे पेट सो रहे हैं। हालांकि चाय श्रमिक यूनियन तथा जिला प्रशासन सदर में कई आश्वासन तो दिया है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में कोई अनाज मुहैया नहीं करवाया गया। इसी मुद्दे को लेकर लोग जहां परेशान है, तो इसी दौरान उदारपंत के जाने माने व्यक्तित्व तथा समाज सेवी श्यामापद राय अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चाय बागान के पिछड़े हुए क्षेत्र में पहुंचकर लोगों के घर का अनाज प्रदान कर रहे हैं। राजनीति की दृष्टि भाव से नहीं बल्कि एक समाज सेवी के रूप में लोगों के सामने उभर कर आ रहे हैं और लोगों की हालात को देखते हुए वे पिछड़े हुए क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। जरूरतमंद लोगों के घर में अनाज, चावल, दाल, आलू, सरसों का तेल व नमक मुहैया करवा रहे हैं। लोगों में जहाँ कुछ हद तक राहत की माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर आम जनता तथा गरीब समुदाय के लोग आज भी सरकारी राशन पर अपनी निगाहें टिका। हमारा एखल अभिजान शिलचर अंचल पक्ष विभिन्न ग्राम विद्यालय खाद्य सामग्री बंटन कर बेड़ा। ये खाद्य सामग्री गत दूदिन 15 ग्राम विद्यालय भिजिट कर विद्यालय शिशुरा पाठरत तर माता पिता डेके एने खाद्य सामग्री बंटन कर गत दुदिन 450 ग्राम विद्यालय सरि 450 परिवारे खाद्य सामग्री बंटन करी। आज के टिकलपार जिपी ए शालगंगा जिपिर अंतर्गत जे कयेकटी ग्राम विद्यालय आछे সেই গ্রাম বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের মা বাবাদের দেখে আমরা খাদ্য সামগ্রী বণ্টন করেছি। সেই খাদ্য সামগ্রীতে আমরা যার সাহায্য সহযোগিতায় আমরা এখল অভিযানের মারফতে যে কার্য সমাধা করতে পেরেছি, তার জন্য আমরা আমাদের এখল অভিযানে যুক্ত সব বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্যামাপদ রায়ের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ প্রকাশ করছি।